सनातनी सोच के साथ चलना एक ऐसी इंडस्ट्री में जो कि खान डोमिनेटेड है, ये अपने आप में ही एक बहुत ही दुर्लभ चित्र है। उरी में जो है वो सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन कोई इंडस्ट्री अपना मुंह नहीं खोल रही थी, उल्टा पाकिस्तानी आर्टिस्टों को जो है गोद में खिला पिला रहे थे। उस वक्त सिर्फ मैंने आवाज उठाई थी फिल्म इंडस्ट्री से और मैंने कहा था कि ये गलत है और पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो बैन होने चाहिए। हमने 2-3 साल पहले देखा जब सुशांत जी का सुसाइड हुआ था, आपने मोर्चा खोला था बॉलीवुड के पूरे, मतलब काफी लोगों के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था, काफी लोगों को परेशानी हुई थी उससे। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सोच वाले लोग बॉलीवुड में, लेकिन मैं अगर हम देखें दूसरी तरफ तो इन्हीं बॉलीवुड की फिल्मों को देख के हम बड़े हुए। हमने क्रांति से लेके तिरंगा फिल्म देखी है, हर 15 अगस्त में तिरंगा फिल्म हम देखते थे जिसमें देशभक्ति की इतनी भावनाएं बताई जाती थी। अगर आप सरफरोश की बात करें जिसमें वो ASP बने होते हैं आमिर खान, हमने वो फिल्म देखी, उसमें हमने देशभक्ति का संदेश पढ़ा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी से लेके सभी, मतलब उस तरीके के संदेश हम आज दिन तक देखते आए हैं। वो कौन सी फिल्म, इसमें हैंडपंप उखाड़ दिया था सनी देओल ने, उसमें संदेश दिया गया देशभक्ति का। तो ऐसी तमाम बॉर्डर कितनी बड़ी हिट थी। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसमें पाकिस्तानी मेंटालिटी के लोग हैं? देखिए, आप जो बड़ी सिलेक्टिव आप सोच रख रहे हैं, जब पाकिस्तान के आर्टिस्ट पे बैन लगा था हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि उरी में जो है वो सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन कोई इंडस्ट्री अपना मुंह नहीं खोल रही थी और उल्टा पाकिस्तानी आर्टिस्टों को जो है गोद में खिला पिला रहे थे, उस टाइम पे हमारे पूरे देश में एक जैसे आक्रोश का माहौल बना हुआ था कि क्या ये सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी है, क्या देशभक्ति और देश के लिए त्याग करना क्या सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी है? फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि भाई ये जो है हमारे भाई हैं, बाकी इंडस्ट्रीज वाले कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, हमको ट्रेड करना है, ये इंडस्ट्री कहती है, तो क्या ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी? उस वक्त सिर्फ मैंने आवाज उठाई थी फिल्म इंडस्ट्री से और मैंने कहा था कि ये गलत है और पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो बैन होने चाहिए। हमारे ही यहाँ पर ऐसी फिल्में आती हैं जिनको जो है सेंसर से ये लड़ लड़ मरते हैं, जिसमें हमारे सैनिकों के आत्म सम्मान को गिराया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। अवश्य ही ऐसे भी लोग हैं जो उरी जैसी फिल्में बनाते हैं, मणिकर्णिका जैसी फिल्में बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है और उन पर दबाव और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो सनातनी सोच रखना और सनातनी सोच के साथ चलना एक ऐसी इंडस्ट्री में जो कि खान डोमिनेटेड है, ये अपने आप में ही एक बहुत ही दुर्लभ चित्र है और बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है।